मैं आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए कि कई राज्यों में कांग्रेस आंकड़े ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही। विशेष तौर पर आप मध्य प्रदेश को लेकर बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे, लेकिन आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश बुरी तरह से हार रहे हैं। ब्रजेश भाई, देखिए, सबका अपना अपना विचार है। हम एग्जिट पोल वालों को, उनकी मेहनत को, उनका सम्मान करते हैं। हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम उतना ही, उससे कहीं ज्यादा सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का करते हैं जी। मेरा लगभग 1.5 महीना, 15 दिन भोपाल में और 1.25 महीना में रहा, क्या नाम, ग्वालियर में। तो जो मेरा अनुभव रहा है ग्राउंड रिपोर्ट्स पे जी, और जो मेरा अनुभव रहा है वहां पर पूरी तरीके से, 2400 घंटे रहा मैं वहां, कोई एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली मैंने जी। तो मेरा अनुभव वहां पर रहा है कि विदाई तय है मामा की। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार था। क्यों? क्योंकि वहां पर नौकरियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पर महिलाओं के प्रति दुराचार था, अनाचार था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं शिवराज सिंह जी को डंप कर दिया था। खैर, ये आज के विषय नहीं है। मैं आपको, चुनाव चूंकि खत्म हो चुका है, तो मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। पहली बात, जनता में बदलाव था। दूसरी बात, ये चुनाव बिल्कुल इसी तरीके से था जैसे उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश में जैसे हुआ था ना कि दो पार्टियों के बीच में इलेक्शन है और किसी की कहीं जरूरत नहीं है, तो उसमें हम लोग अपर हैंड पर हैं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं कि 130 सीटों से ज्यादा से हम लोग चुनाव, ये आपका अपना पर्सनल एग्जिट पोल है? हाँ, मेरा पर्सनल एग्जिट पोल है, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ है, मेरे अपने नेताओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 7 में से 6 एजेंसियां, आप कहेंगे भी तो नाम बता दूंगा, केवल सी वोटर्स को छोड़कर 6 जगहों पर 6 एजेंसियों की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही, 7 में से 6 सी वोटर्स को छोड़कर। मैंने पढ़ा उनके बारे में, मैंने देखा भी उनके बारे में, 3-4 चीजें उनमें बड़ी, मतलब जो मुझे वियर्ड लगी, मैं वो आपके साथ साझा करता हूँ। मैंने, मतलब मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पहले पोल को बता दिया कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं। 3-4 चीजें एजेंसीज में, पहली चीज तो इन एजेंसीज ने एरर ऑफ मार्जिन 25% का दे रखा है, जबकि कोई भी एग्जिट पोल 3% से ज्यादा एरर ऑफ मार्जिन पे नहीं चल सकता। आप कहते हैं कि साहब 80 से 105, 100 से 120, 100 से 125, ये मुझे जिस तरीके की ये लोग वो कर रहे हैं, मतलब मार्जिन बहुत लंबा लंबा ले रखा है, ऐसा आपका मत है? हाँ, और ये लॉजिकल नहीं है। और दूसरा, इसके बाद भी आ जाइए, दूसरा, कोई भी सर्वे एजेंसी कल शाम के बाद जो है पोलिंग पर, मतलब वो नहीं बता रही है कि किस पार्टी को कितना वोट मिलने की संभावना है। सर, 7 में से 6 सजेस्ट कर रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या वो भी डेटा गलत है? सर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर भी बता देता हूँ, वहां पर मुझे एग्जिट पोल पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूँ। मेरे अपने जो पोल एनालिसिस हैं, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश का मैंने बता दिया, तेलंगाना में हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम स्पष्ट बहुमत से 60+ सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं, 60+, आप इस चीज को देख लीजिए। राजस्थान में हमारे पास खाटे का मुकाबला है, हंग असेंबली की आसपास हमें जो क्या नाम वो चीज है, लेकिन हम एज पे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा सीटें ला रहे हैं, ये हमारा अपने व्यक्तिगत लोगों का है। और प्लस हम कहीं ज्यादा सीटें ला करके क्लोज टू, हम जिसको कह सकते हैं क्या नाम, बहुमत के, और भारतीय जनता पार्टी हमसे पीछे है, ये हमारा अपना। सर, ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। ब्रजेश भाई, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि मैं जब आपसे जवाब स्पष्ट, मैं 3 चीजों का सवाल आपसे कर रहा हूँ, तीनों चीजों का आप जवाब मांग लीजिए सारी एजेंसी से। मैं तो कहता हूँ कि ये एजेंसी बता दें कि पोल परसेंटेज किस पार्टी के पक्ष में कितनी है, नंबर एक। नंबर दो, ये सारी एजेंसी बता दें कि जो मुख्यमंत्री के चेहरा है वो सबसे ज्यादा स्वीकार्य किसका है, राजस्थान में अशोक गहलोत का है या उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं दिया, पोल परसेंटेज बता नहीं रहे हैं, एरर ऑफ मार्जिन 25-25 सीटों का रख रहे हैं, और जबकि एग्जिट पोल, आप कह रहे हैं कि आप सहमत नहीं है, कभी कहते हैं असहमत हैं, पर आपकी बातों से तो लगता है कि एग्जिट पोल आपके लिए तो कोई मायने नहीं, असहमत हैं आप? मेरे लिए एग्जिट पोल कतई मायने नहीं रखता, भले ही मेरे को थंपिंग मेजोरिटी दे रहा हो, मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूं।
और राइट, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह